यूपी के फतेहपुर जिले में महिलाओं ने होटल संचालक की चप्पलों से पिटाई की। वहीं यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल पीड़ित होटल संचालक ने बताया कि दबंग और उसका भाई आए दिन अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने आते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं, और अगर पैसा मांगो तो जान से मारने की धमकी भी देते हैं, जिसकी शिकायत उसने थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उसी के साथ मारपीट की गई। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रात में हम गए थे, वो यहाँ से भाग के चौकी गए, फिर कोतवाली गए, फिर कोतवाली में लिखित में तहरीर दिया है तो पुलिस अब आगे जो भी। कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं? गिरफ्तारी क्या, वही दो महिलाएं गई थी हमारे खिलाफ लिखाने उल्टा, उन्हीं को बैठा लिया बस, और किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उनका बड़ा लड़का जो एसएमएस करता है वो अभी फरार है, छोटा लड़का एक घूम रहा है। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव हमारा नाम है। उन लड़कों का नाम आनंद गिरी, सनाब गुलाब गिरी, उनका छोटा भाई अमन गिरी, सनाब गुलाब गिरी, उनकी पत्नी गुलाब गिरी की, उनकी बेटी गुलाब गिरी। कल दिनांक 18/11/2021 समय लगभग 3 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र में होटल नो प्रॉब्लम में महिलाओं द्वारा होटल संचालक से मारपीट की गई। इस संबंध में वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।